माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में आधुनिक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर और विश्व स्तरीय सुविधाएं पूरे देश में विकसित की गई हैं। रेल हो, रोड हो, टेलीकॉम हो, हर तरह की कनेक्टिविटी के लिए पिछले 9 साल में भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ में अभूतपूर्व काम किया। अब गांव के लोगों को मदद मिल रही, और यही तो सामाजिक न्याय है, और यही तो सबका साथ सबका विकास है। प्राकृतिक सुंदरता, खदानों, आदिवासी शिल्पकला और संस्कृति के लिए मशहूर छत्तीसगढ़ में आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा लगभग 2,300 करोड़ रुपए की लागत से रेल और राष्ट्रीय राजमार्ग की 5 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। आज लोकार्पित होने वाली परियोजनाएं हैं अंतागढ़ से ताड़ो की 18 किलोमीटर नई रेल लाइन, जगदलपुर से दांतेवाड़ा 106 किलोमीटर रेल लाइन का दोहरीकरण, कुनकुरी से छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा तक 2 लेन सड़क का निर्माण कार्य। आज शिलान्यास होने वाली परियोजनाएं हैं बोरी डांड से सूरजपुर तक रेल लाइन का दोहरीकरण और अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जगदलपुर रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट कार्य। आज माननीय प्रधानमंत्री ताड़ोकी से राजधानी रायपुर के लिए सीधी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर प्रारंभ कर रहे हैं। इन सभी परियोजनाओं से पूरे क्षेत्र में व्यवसाय और रोजगार की अपार संभावनाएं बढ़ेंगी। वनवासी बाहुल्य क्षेत्र के लोगों, छात्रों एवं मरीजों की किफायती और तेज परिवहन के साथ अच्छे उच्च शिक्षण संस्थाओं और अस्पतालों तक पहुंच आसान होगी। स्टील प्लांट और खदानों से लौह अयस्क और कोयले को देश के हर कोने तक पहुँच मिलेगी। भारत सरकार के प्रयासों से अमृत काल में छत्तीसगढ़ आर्थिक और सामाजिक संपन्नता की ओर तेजी से अग्रसर होगा।